हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, राजधानी एक्सप्रेस भारत की प्रीमियम ट्रेन है। आप लोगों ने कई बार इस ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, परंतु हर कोच में ट्रैवल करना सबके लिए मुमकिन नहीं है। क्या आपको पता है राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी कोचेस में क्या अंतर है, इनमें क्या क्या अलग अलग सुविधाएं दी जाती है यात्री को? तो अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी के कोचेस में क्या क्या अंतर है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राजधानी एक्सप्रेस भारत की सबसे पुरानी प्रीमियम ट्रेन है। ये ट्रेन पहली बार 1 मार्च 1969 को चली थी, जो कि न्यू दिल्ली और हावड़ा के बीच में। आज के टाइम पे ये ट्रेन LHB कोचेस के साथ चल रही है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों, राजधानी एक्सप्रेस में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी के कोचेस होते हैं। इन कोचेस में यात्रियों को बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं दी जाती है। अगर बात करें हम फर्स्ट एसी की, तो फर्स्ट एसी में दो टाइप के सीट्स होते हैं, एक तो कैबिन होता है और दूसरा कूपे होता है। इन दोनों में बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है यात्रियों को। कैबिन में टोटल 4 पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं और कूपे में 2 पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं। कैबिन और कूपे में दरवाज़ा रहता है। वहीं पे बात करें हम सेकंड एसी और थर्ड एसी में, उसमें कैबिन रहता है बट उसमें दरवाज़ा नहीं रहता है। वहाँ पे एक सेकंड एसी में कर्टन लगाया रहता है और थर्ड एसी में कैबिन में कर्टन नहीं रहता है और उसमें भी दरवाज़ा नहीं रहता है। वहीं पे बात करें फर्स्ट एसी की, इसमें यात्रियों को बाथरूम की सुविधा दी जाती है। यहाँ पे यात्रा के दौरान यात्री स्नान कर सकते हैं। वहीं पे सेकंड एसी और थर्ड एसी में नहाने की सुविधा यात्रियों को नहीं दी जाती है। फर्स्ट एसी के कैबिन और कूपे में प्राइवेसी मेंटेन रहती है। अगर दो कपल साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए कूपे बेस्ट है प्राइवेसी के लिए। और अगर फैमिली एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो 4 पैसेंजर एक कैबिन में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और गेट बंद करके उनका प्राइवेसी मेंटेन रहता है। कैबिन और कूपे में बाहर के कोई भी यात्री नहीं आ सकते हैं और जिनके पास कंफर्म टिकट हो, वही कैबिन और कूपे में ट्रैवल कर सकते हैं। फर्स्ट एसी के कैबिन और कूपे में पैसेंजर्स को मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट दिया जाता है। रीडिंग लाइट्स रहते हैं, जो कि न्यूज़ और बुक पढ़ने के लिए आराम रहता है, जिनसे आप सीट के नीचे अपना लगेज रख सकते हैं। और ऊपर अपर बर्थ पे जाने के लिए एक सीढ़ी दिया गया है, जिससे कि आप चढ़ के अपर बर्थ पे जा सकते हैं। और एक छोटा सा टेबल दिया जाता है, जिससे कि आप खाना खा सकते हैं उसके ऊपर। वाटर बॉटल रखने के लिए वाटर बॉटल होल्डर दिया गया है। वहीं पे फर्स्ट एसी के पैसेंजर्स को कैबिन और कूपे में एक बेल रहता है, जिसकी प्रेस करके वो पैंट्री स्टाफ को बुला सकते हैं और जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो उनसे ले सकते हैं। वहीं पे फर्स्ट एसी के पैसेंजर्स को जो फूड प्रोवाइड किया जाता है ट्रेन में, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, वो सब ट्रेन की पैंट्री में ही बनाया जाता है और गर्मा गर्म यात्रियों को सर्व किया जाता है। वहीं पे अगर बात करें सेकंड एसी और थर्ड एसी में, यात्रियों को पैंट्री में भोजन नहीं बनाया जाता है। उनका भोजन बाहर से ट्रेन में बोर्ड होता है और वही पैसेंजर्स को सर्व किया जाता है। और बात करें किराए की, तो फर्स्ट एसी का किराया सेकंड एसी और थर्ड एसी से ज़्यादा होता है। वहीं पे राजधानी एक्सप्रेस में जनरल क्लास के डब्बे नहीं रहते हैं, इनमें सिर्फ थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी के कोचेस रहते हैं। फर्स्ट एसी में एक पैसेज रहता है, वो पैसेज से आप अपने कैबिन और कूप में जा सकते हैं। वहीं पे बात करें सेकंड एसी में, सेकंड एसी में एक साइड में 4 सीट्स रहते हैं, जो कि लोअर अपर और उसके अपोजिट लोअर अपर, और साइड में 2 सीट्स रहते हैं, साइड लोअर और साइड अपर। इसमें भी पैसेंजर्स को मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स रहते हैं, देन फिर रीडिंग लाइट्स हैं और फिर लगेज रख सकते हैं आप लोअर सीट और साइड लोअर सीट के नीचे। सेकंड एसी कोचेस में भी साफ़ सफाई का अच्छा ख्याल रखा जाता है, जैसे फर्स्ट एसी कोचेस में रखा जाता है। इनमें भी हाउसकीपिंग वाले रेगुलर इंटरवल्स पे कोचेस की साफ़ सफाई करते हैं। सेकंड एसी में, जो हमने फर्स्ट एसी में बताया था कि जो एक बेल रहता है, वो बेल सेकंड एसी में नहीं दिया जाता है। सेकंड एसी कोचेस में आपकी खिड़की पे कर्टन्स लगे रहते हैं और कैबिन में भी कर्टन्स रहते हैं। इनमें दरवाजे नहीं दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट एसी में दिया जाता है। और सेकंड एसी के हर कोच में टोटल 4 टॉयलेट दिए गए हैं।
वहीं पे बात करें दोस्तों हम थर्ड एसी की, तो थर्ड एसी में एक साइड में 6 सीट्स रहते हैं, लोअर मिडल अपर और उसके अपोजिट सेम, और साइड में 2 सीट्स, साइड लोअर और साइड अपर। जैसे कि सेकंड एसी में आपने देखा सिर्फ 2 सीट्स रहते हैं और थर्ड एसी में 3 सीट्स रहते हैं। वहीं पे बात करें भोजन की दोस्तों, सेकंड एसी और थर्ड एसी में यात्रियों को भोजन पैंट्री से सर्व किया जाता है, जो कि बाहर से ट्रेन में बोर्ड किया जाता है और वो ही वही भोजन पैसेंजर्स को दिया जाता है। और वहीं पे फर्स्ट एसी की बात करें, वहाँ पे भोजन पैसेंजर्स को ट्रेन में ही बना करके दिया जाता है। थर्ड एसी में भी पैसेंजर्स को मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट दिया जाता है। सीट के ऊपर रीडिंग लाइट रहता है, सीट के नीचे लोअर सीट और साइड लोअर सीट के नीचे आप अपना लगेज रख सकते हैं। खिड़कियों पर कर्टन्स रहता है, इसमें सेकेंड एसी के जैसे कैबिन में कर्टन्स नहीं लगाया रहता है। और थर्ड एसी के हर कोच में टोटल 4 टॉयलेट दिए गए हैं। आपको अगर राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल करना हो तो आप इसका टिकट ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट से और स्टेशन पर टिकट विंडो काउंटर से जाकर बुक कर सकते हैं। राजधानी एक्सप्रेस में आपका सुरक्षा का भी अच्छा ख्याल रखा जाता है, वहाँ पर RPF पर्सनल रेगुलर इंटरवल्स पे राउंड लगाते रहते हैं। और अभी जो नए कोचेस बन रहे हैं उनमें CCTV कैमरास भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। अगर आपको राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल करना हो तो फर्स्ट एसी में ज़रूर ट्रैवल करें, उनमें बहुत अच्छी सुविधाएं यात्रियों को दी जाती है और वो बहुत ही आरामदायक जर्नी होता है। राजधानी एक्सप्रेस आपको कम समय में आपके गंतव्य स्थान पर पहुँचा देती है। इनके जो स्टॉपेजेस रहते हैं दूसरे ट्रेन के मुकाबले बहुत कम रहते हैं। राजधानी एक्सप्रेस में जो आपको फूड दिया जाता है उसके पैसे आपको ट्रेन्स में देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनके फूड के प्राइजेस जो हैं आपके टिकट में ही इंक्लूड रहती हैं और यात्रा के दौरान आपको टाइम टाइम टू ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब दिया जाता है। टिकट बुक करने के टाइम पे आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखता है फूड चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको फूड चाहिए रहेगा तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको ट्रेन में फूड मिलेगा, और अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो आपको फूड नहीं मिलेगा और वो जो फूड का पैसा है वो टिकट प्राइस से माइनस हो जाएगा। और इनमें आपको वेज और नॉनवेज दोनों प्रकार के फूड्स मिलते हैं राजधानी एक्सप्रेस में। राजधानी एक्सप्रेस के हर कोच में कोच अटेंडेंट रहते हैं, चाहे वो फर्स्ट एसी हो, सेकेंड एसी हो या थर्ड एसी हो। यात्रा के दौरान अगर यात्रियों को किसी चीज़ की समस्या हो तो वो कोच अटेंडेंट से हेल्प ले सकते हैं। राजधानी एक्सप्रेस के थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी में तीनों टाइप के कोचेज में यात्रियों को यात्रा के दौरान लिनन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि कंबल, चादर, बेडशीट, तकिया। तो दोस्तों ये थी राजधानी एक्सप्रेस की थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी में क्या क्या अंतर है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, वो हमने आपको सब इस वीडियो में बताया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट में लिखें, हम उसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।